शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब आप बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे, आप उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। और तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो, जब जब तो तुम खोले हुए हो बता वहां, अजा शराबबंदी भी लागू की वहां का भी हाल है, तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए, अब तो हम आपको हम बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा तो आप याद रखिए ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। और ये सब बात बताइए, आई लोग तो सबसे ज्यादा ना कर रहा है जी, झगड़ा कराने में लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब में कहीं ना कहीं, और तब भी अपने अधीन किसी को रखे हुए है ना, और कह रहा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलमानवा दे देगा, और इधर उधर कर रहा है सब। तो आप देख न रहे तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा, अगर होश में आइएगा कौन सा काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा है, इन सब पर चर्चा होती है। और जिस राज्य में वो एक एक जो गिरा और पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। आप बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप समझे यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ उसका कितना दिन चला। तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा, गंदगी होगा दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है, पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे।